सोनमर्ग, स्वर्णिम घास का मैदान। सोनमर्ग, जिसे स्वर्णिम घास का मैदान के रूप में जाना जाता है, जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित एक सुरम्य हिल स्टेशन है। यह श्रीनगर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और समुद्र तल से लगभग 2740 मीटर 8990 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सोनमर्ग अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हरे भरे मैदान, घने जंगल, ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और चमकते हुए झरने शामिल हैं। सोनमर्ग शक्तिशाली हिमालय की पृष्ठभूमि में बसा हुआ है और इसकी घाटी के चारों ओर कई प्रसिद्ध चोटियां हैं, जिनमें अमरनाथ चोटी, कोल्होई चोटी और सिरबल चोटी शामिल हैं। सिंध नदी, जो जोजिला दर्रे से निकलती है, सोनमर्ग से होकर बहती है और इसकी चमकती हुई पानी की धाराओं के साथ इसकी सुंदरता में चार चांद लगाती है। यह नदी ट्राउट मछली पकड़ने के लिए भी एक लोकप्रिय स्थल है। सोनमर्ग की जलवायु मौसम के अनुसार काफी भिन्न होती है। गर्मियों, मई से सितंबर के दौरान तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री फारेनहाइट से 77 डिग्री फारेनहाइट के बीच रहता है, जो इस समय को सुहावना और मनमोहक बनाता है। इस दौरान मैदान हरे भरे और जंगली फूलों से भरे होते हैं। सर्दियों, नवंबर से मार्च में भारी बर्फबारी होती है और तापमान अक्सर शून्य से नीचे चला जाता है। इस समय पूरी जगह बर्फ से ढकी होती है, जिससे सोनमर्ग एक शीतकालीन स्वर्ग बन जाता है और यह जगह बर्फीले खेलों के शौकीनों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन जाती है। थाजिवास ग्लेशियर सोनमर्ग के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है, जो शहर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ग्लेशियर तक ट्रैकिंग या पोनी की सवारी के दौरान घाटियों और पहाड़ों के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। गर्मियों में भी यह ग्लेशियर बर्फ से ढका रहता है, जिससे पर्यटकों को गर्मी के मौसम में भी बर्फ का आनंद लेने का मौका मिलता है। जोजिला दर्रा, जो सोनमर्ग से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, जो कश्मीर को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ता है। लगभग 3,528 मीटर 11,575 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस दर्रे से आसपास के परिदृश्य के मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं और यह दोनों क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बालटाल घाटी। बालटाल, जो सोनमर्ग से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वार्षिक अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है। इस घाटी से पहाड़ों के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं और यह अमरनाथ गुफा की यात्रा के लिए प्रारंभिक बिंदु है, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। सोनमर्ग रोमांच प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। गर्मियों में ट्रैकिंग, कैंपिंग और ट्राउट मछली पकड़ने जैसी गतिविधियां लोकप्रिय होती हैं। झीलों, ग्लेशियरों और उससे आगे के ट्रैकिंग मार्ग इस क्षेत्र में सबसे बेहतरीन है। सर्दियों में यह क्षेत्र स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्लेजिंग के लिए एक आकर्षण केंद्र बन जाता है। बर्फ से ढकी ढलाने और शांत वातावरण इसे शीतकालीन खेलों के लिए आदर्श स्थान बनाते हैं। सोनमर्ग का वार्षिक अमरनाथ यात्रा में भी महत्वपूर्ण योगदान है। हजारों तीर्थयात्री इस क्षेत्र से होकर पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा पर जाते हैं। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की भारी संख्या से शहर की अर्थव्यवस्था को भी काफी बढ़ावा मिलता है। सोनमर्ग सड़क मार्ग द्वारा श्रीनगर से पहुंचा जा सकता है और यह यात्रा लगभग 2 से 3 घंटे का समय लेती है। निकटतम हवाई अड्डा श्रीनगर में है, जो भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो सकती हैं, जिससे क्षेत्र कुछ महीनों के लिए दुर्गम हो जाता है। सोनमर्ग आने का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर के बीच है, जब मौसम सुहावना होता है और मैदान पूरी तरह से खिले होते हैं।
जो लोग बर्फ की गतिविधियों में रुचि रखते हैं उनके लिए नवंबर से फरवरी के बीच का समय आदर्श है। सोनमर्ग में लग्जरी होटलों से लेकर बजट गेस्ट हाउस तक विभिन्न प्रकार के आवास विकल्प उपलब्ध हैं। जो लोग क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का और अधिक निकटता से अनुभव करना चाहते हैं उनके लिए कैंपिंग की सुविधाएं भी हैं। सोनमर्ग प्रकृति प्रेमियों, साहसिक कार्य के शौकीनों और हिमालय की गोद में शांति की तलाश करने वालों के लिए एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। इसके शानदार परिदृश्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बाहरी गतिविधियों के अवसर इसे जम्मू और कश्मीर के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक बनाते हैं।